नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से जुड़ी हुई। दिल्ली सरकार इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे सकती है। मामला कॉमनवेल्थ घोटाले के दौरान लाइट की खरीद में हुए घोटाले का है। आरोप है कि 5 से 6 हजार रुपए में मिलने वाली लाइट 27 हजार रुपए में खरीदी गई। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें शीला का नाम लेकर कहा गया है कि तत्कालीन सरकार ने निजी कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। सिसोदिया की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला उन्होंने भेजा। अब एसीबी इस मामले में केस दर्ज कर सकती है। मनीष सिसोदिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाइट कंपनी ने शीला को एक प्रेजेंटेशन दिया और फिर अप्रूवल मिला। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग को इस खरीद से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ। विक्रांत, शीला दीक्षित मुश्किल में पड़ती नजर आ रही हैं यहाँ। देखिए, अगर रिपोर्ट की करें तो निश्चित तौर पर वो मुश्किल में नजर आ रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जो रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों से वो इस पर काम कर रहे थे और उन्होंने अब अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेजी है। रिपोर्ट में उन्होंने शीला दीक्षित का बाकायदा नाम लिया है और उन्होंने पूरा ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि किस तरीके से इस कंपनी को ठेका मिला था और किस तरीके से इस कंपनी की खरीद के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग को इतना नुकसान हुआ। सिर्फ शीला दीक्षित ही नहीं, इस मामले में एमसीडी के अधिकारी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी ने भी यही लाइट 31 हजार रुपए में खरीदी, जो दिल्ली सरकार ने 27 हजार में खरीदी थी। एमसीडी ने 31 हजार की खरीदी और एमसीडी की खरीद के कारण 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास भेज दी। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया है, जो हमें जानकारी मिली है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भेज दिया और अब एंटी करप्शन ब्यूरो ही इस मामले में अंतिम फैसला लेगा। तो एक तरह से आशंका बन गई है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दे, क्योंकि इस मामले में जो हमें सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई ने भी इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, लेकिन पीई से आगे मामला नहीं बढ़ा था और पीई दर्ज करने के बाद उसने इस जांच को बंद कर दिया था। लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मामले के जो तथ्य है और सब वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए जांच करने के लिए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास भेज दी थी। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ विक्रांत, आपके पास मैं लौटता हूं और आपको यहां ये भी बता दें कि शीला दीक्षित के साथ साथ एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीडी ने वही लाइट 31 हजार में खरीदी, मतलब एमसीडी ने 5 से 6 हजार में मिलने वाली लाइट 31 हजार में खरीदी। एमसीडी के कारण 6 करोड़ रुपए का यहां नुकसान हुआ। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, यहां एमसीडी भी एक पार्टी है। देखिए, एमसीडी भी बिल्कुल निश्चित तौर पर इस मामले में, इस रिपोर्ट में एमसीडी पर भी सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की खरीद के बाद एमसीडी ने भी उसी कंपनी से लाइटें खरीदी और एमसीडी ने करीब जो 5 से 6 हजार कीमत वाली लाइट थी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने 27 हजार की खरीदी, एमसीडी ने वही लाइट 31 हजार रुपए के हिसाब से खरीदी और इस पूरी खरीद में एमसीडी को करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और इस रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि एमसीडी ने भी गलत तरीके से ये खरीद की है और दोनों के बारे में, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी दोनों के बारे में रिपोर्ट मनीष ने अपनी भेजी है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया एंटी करप्शन के पास और अब फैसला एंटी करप्शन विभाग को लेना है। विक्रांत, ये बताएं आप, ये मामला और ज्यादा बड़ा इसलिए बनता है, गंभीर इसलिए बनता है क्योंकि ये पुराना मामला है और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो शायद मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसको इस तरह से उजागर नहीं किया गया। देखिए, ये कहना पंकज, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन ये बात सही है कि इस मामले में पीई दर्ज हुई थी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई के पास गई थी, सीबीआई ने पीई दर्ज की, क्योंकि सीबीआई का अपना एक काम करने का तरीका है, वो पहले किसी भी मामले में पीई दर्ज करती है और उसके बाद अगर उसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये लगता है कि इस मामले में केस दर्ज करने के पर्याप्त सबूत हैं तो वो एफआईआर में उसे पीई को कन्वर्ट करती है। लेकिन आमतौर पर पुलिस जो है वो पहले एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर का मतलब ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है और उसके बाद वो जांच शुरू करती है। इसी कारण जो दिल्ली सरकार है उसको ये लगता है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं इस मामले में केस दर्ज करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए, और यही कारण है कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इस मामले को भेज दिया है। और चूंकि ये पुराना मामला है और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में भी ये था कि वो कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़े मामलों की जांच करवाएंगे, तो उन्होंने अपने कुछ चुनावी वायदे जिस तरीके से पूरा करने की कोशिश की है, ये भी उसी दिशा में एक कदम है
और वो एक तरह से जनता में संदेश भी देना चाहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, जो घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। लेकिन कितना अब इस रिपोर्ट में एसीबी क्या कार्रवाई लेती है, क्या उसे सबूत मिलते हैं, क्या वो सबूतों को पर्याप्त मानता है, ये सब आज जांच में साफ हो पाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विक्रांत, क्या चूंकि फहरिस्त बहुत लंबी थी, बिजली, पानी, जन लोकपाल और फिर शीला दीक्षित के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे जब सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं दबाव भी आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर बन रहा था, तो क्या उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये कहना भी मुश्किल है पंकज, क्योंकि सरकार ने, क्योंकि इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया पिछले काफी दिनों से इस पर काम कर रहे थे और उन्होंने इस रिपोर्ट के सारे, उनका जो उनके करीबी लोग हैं उनका दावा है कि मनीष सिसोदिया ने इस मामले में अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें सभी पक्षों को देखा है, उन्होंने काफी गंभीर अध्ययन किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी है। उनका ये साफ कहना है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई है और कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि जो मामले के और जो सरकारी दस्तावेजों में 10 चीजें हैं उन्हीं के आधार पर यह फैसला लिया गया है। विक्रांत यादव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए आपका।